हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। वैसे ही मैं एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव अफर्मेशंस वर्सेस पॉजिटिव थिंकिंग। होता क्या है कि हम जब 2 साल के थे तो हमको भाषा आनी चालू हो गई, और जैसी परवरिश होने लगी, बड़े होने लगे, तो हमको काफी सारी निगेटिव बातें हमारे दिमाग में डालना शुरू हो गया। तू रहा है, तुझे अक्ल नहीं है, तू समझता नहीं है, तू वहां जाएगा तो गिर जाएगा, वहां भूत है, तू कमजोर है, तेरे से ये होगा नहीं। मतलब ऐसा बार 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 हमारे दिमाग में सब निगेटिव, नकारात्मक नकारात्मक सोच डाली जाती है, और फिर हमारी इमेज, हमारे खुद के बारे में हमारी जो प्रतिकृति रहती है, हमारा जो इमेज रहती है हमारे बारे में, वो बहुत लो रहती है, कम रहती है। स्व प्रतिमा, सेल्फ इमेज, वो बहुत लो होती है, और वो ऐसे होती है कि फिर मैं कमजोर हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी चलती नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता, लोग मेरी मदद नहीं करते, घर वाले मेरी मदद नहीं करते, मेरे से ये होगा नहीं, मैं ये कर सकूंगा नहीं, इस तरह की विचार, और मैं अकेला हूं, अभी मुझे ही करना पड़ेगा, और मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं कर पाऊंगा, और यहां कुछ तो भी गड़बड़ है। मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली एक सलीके नकारात्मक विचार दिमाग में आते रहते हैं, और वो एक बैकग्राउंड में आवाज चलती रहती है दिमाग में। फिर कोई भी काम करने के समय वो आवाज चालू हो रहती है, और वो फिर वहां से हम काम करते रहते हैं, तो सफलता मिलती नहीं है। वहीं से मानसिक बीमारी भी वहीं से होती है, डिप्रेशन उसकी वजह से होता है, एंग्जायटी उसकी वजह से होती है, फोबिया वहां से होता है, हिस्टीरिया वहां से होता है, कि उसके पीछे जो कॉन्वर्जेशन है, जो दिमाग में आवाज चालू रहती है, उसकी वजह से। तो हर रोज यदि आप सुबह उठने के बाद में 2-4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको समय मिलता है, सुबह और शाम रोज अफर्मेशंस देते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक सूचना है अपने मन को, तो उसका फायदा जरूर होगा। तो आपको क्या करना है कि रिलैक्स बैठना है कुर्सी पे या गद्दी पर लेटना है, शवासन करना है, और अपने आप को उच्चारण करना है सेंटेंसेस का, अपने आप से बात करना है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है कि मैं होशियार बनने वाला हूं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इज फ्यूचर के बारे में, मैं बहुत शक्तिशाली इंसान होने वाला हूं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये भविष्य के बारे में मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप जब अफर्मेशंस देते हो तो आप अभी वैसे इंसान हो, इस तरह से बात करते हो कि राइट नाउ आई एम दैट, अभी मैं हूं। तो आपने क्या करना है, रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स, हाथ पैर पांव सब रिलैक्स 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 करना है, और फिर अपने आप से सूचना देना है। अभी ये सूचना आप बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब बच्चे पास में लेके आपने बोलना है, उच्चारण करना है, और बच्चों को बोलना भी तू उच्चारण कर। तो बच्चा बचपन से यदि अफर्मेशंस में वो बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है अफर्मेशंस में, और सकारात्मक अफर्मेशंस में, सकारात्मक सूचनाएं में, तो उसका सेल्फ इमेज, स्व प्रतिमा कितनी बड़ी हो जाएगी। और आप बड़े होने के बाद में यदि वो स्व प्रतिमा मलिन है, कमजोर है, तो आपकी भी स्ट्रांग हो जाएंगी, शक्तिशाली हो जाएंगी स्व प्रतिमा। तो सूचनाएं क्या देने का है, सूचना ये देने का है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मैं हर रोज अच्छा इंसान हूं, और अच्छा इंसान रोज के रोज बन रहा हूं। तो मैं रोज अच्छा इंसान दिन ब दिन बन रहा हूं, मैं रोज दिन ब दिन अच्छा इंसान बन रहा हूं, मैं शक्तिशाली इंसान हूं, मैं शक्तिशाली और स्ट्रांग इंसान हूं, मेरे में बहुत सारी
काबिलियतें हैं, बहुत सारी काबिलियतें मेरे में हैं, मैं बहुत होशियार इंसान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एनर्जी मेरे में है, मैं खुश हूँ, मैं जो भी काम करूँगा वो काम सफल रूप से मैं अभी आज करूँगा, मेरा दिमाग बहुत शांत है, बहुत रिलैक्स है, मैं बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। सब आसपास के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, सभी लोग मेरी सहायता करते हैं, जो मैं आज काम चालू करूंगा वो अच्छी तरह से पूरा करूंगा, जो भी मैं आज काम चालू करूंगा वो अच्छी तरह से पूरा संपूर्ण करूंगा। मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, प्रफुल्लित लग रहा है, मुझे बहुत ही आज प्रफुल्लित, फ्रेश और अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश और पीसफुल शांत इंसान हूँ। आज मैं कोई भी प्रसंग यदि होता है तो उसको मैं प्रतिक्रिया दूंगा नहीं, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी घटना होती है तो उसको मैं प्रतिक्रिया दूंगा नहीं, मैं शांत रहूंगा और मैं रिलैक्स रहूंगा। मेरा मन बहुत शांत, प्रफुल्लित और रिलैक्स है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा दिमाग बहुत शांत और रिलैक्स है, मैं जिससे भी बात करूंगा उससे शांति से, आराम से, आत्मविश्वास से बात करूंगा, मुझे पूरा भी आत्मविश्वास है और किसी से भी मैं आत्मविश्वास से बात करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ा हुआ है, मेरा आत्मविश्वास पूरा बढ़ा हुआ है। इस तरह के आप सजेशंस देते हो, सकारात्मक सूचनाएं देते हो और वो अभी है, राइट नाउ है, और वो सूचनाएं देते देते आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो, अपनी प्रतिमा उसमें देख रहे हो कि मैं आत्मविश्वास मेरा बढ़ा हुआ है या आत्मविश्वास है, तो उस समय आत्मविश्वास वाला आदमी कैसा चलेगा, कैसा बोलेगा वैसा आपने देखना है, मैं खुश हूं तो खुश आदमी कैसा करेगा, कैसा बात करेगा वो देखना है, मैं शांत स्वभाव का हूं तो वो शांत स्वभाव का आदमी लोगों से कैसे बात करेगा, कैसा लोगों के सामने आएगा वो देखना है, मतलब सकारात्मक सूचना है और उसके साथ साथ अपने आप को देखना है, अपनी प्रतिमा तैयार करनी है सिचुएशन में, वो घटना में अपन है और वैसा अपन बर्ताव कर रहे हैं ऐसा देखना है। आप बच्चों को भी लेके रोज सुबह और शाम ये सूचनाएं दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप बोलो मेरे पीछे पीछे आप बोलो, तो बच्चा भी ऐसा बोलेगा कि मैं स्ट्रांग इंसान हूं, मैं वो सकारात्मक विचार कर रहा हूं, मेरा दिमाग बहुत शांत है, मैं बहुत खुश है, ऐसा बच्चा बोलेगा। तो देखो 2 साल के 3 साल के बच्चों को आप यदि सिखाते रहते हैं ये और उसके दिमाग में ये पूरा अफर्मेशन बैठता है तो कितना चमत्कार हो जाएगा आगे चल के। तो सुबह और शाम ये बच्चों को सिखाओ, खुद को ऐसी सूचनाएं दो। मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूं कि ज्यादा नहीं 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके आजू बाजू वाले बहुत ऐसे लोग होंगे, आपके दोस्त में से, फैमिली मेंबर्स, कि जिनको इस तरह की मलिन स्व प्रतिमा है, खुद को बहुत कम समझते, नहीं अपना क्या, बिल्कुल बेकार है, अपना तो नसीब ही खराब है, मेरा तो अच्छा होने वाला ही नहीं है, मेरा धंधा चलने वाला नहीं है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा उनके बोलने में सब नकारात्मक भाषा ही आती रहती है। उनको ये जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा और वो रोज यदि चालू करते हैं इस तरह की बातें करना अपने आप से, तो देखो उनके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और उनका जीवन एक सफल जीवन, शक्तिशाली जीवन हो जाएगा। तो वीडियो लोगों को जरूर शेयर करो, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, फैलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।